दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं गांव पिपरिया में, जो हमारे गांव के पास में गांव पड़ता है, और वहां है सोनपाल भैया जो एक अच्छे यूट्यूबर हैं। आज उनसे मिलेंगे, कुछ सीखेंगे और आपको दिखाएंगे मतलब कहां से स्टार्टिंग किया था और कहां से आज कहां तक आ गए हैं। आपको अभी मिलवाएंगे उनसे, और चलिए मिलवाते हैं। दोस्तों फाइनली हम सोनपाल भैया के घर पर आ चुके हैं, और ये उनका गेट रहा, ये ऊपर उनका ऑफिस बना है, और आपसे मिलवाते हैं उनके। चलिए, तो फाइनली हम घर के अंदर आ चुके हैं। आपको दिखाएंगे उनके क्या क्या चीजें रखी हैं और क्या कहाँ पर वीडियो शूट करते हैं। आप ये भैया सोनपाल की एलसीडी भैया की लगी है, और यहाँ पर वो वीडियो शूट करते हैं अपनी जो भी मौज चकाटक की जो भी वीडियो शूट करते हैं। तो ये इनको पूरा सेटअप बॉक्स है पूरा। यहाँ पे जो कुर्सी रखी है, यहाँ पे लाइट रखी है, रिंग लाइट रखी है, कैमरा रखा है उनका, तो यहाँ पे सेट करते हैं अपना। और यहाँ पे भैया लोग गन वन लेके खड़े हैं, ये अपना डेस्कटॉप वगैरह सब कुछ रखा है यहाँ पर है। और ये हमारा यहाँ पर छोटा सा स्टूडियो भैया ने बनाया है, तो यहाँ पर भैया बैठे हैं, और क्या नाम, यहीं से वीडियो हम शूट करेंगे अभी। और कैसे है भैया सब? बढ़िया। चलिए ठीक है, वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और फाइनली सोनपाल भैया मुझे मिले, और क्या नाम, उनसे मुलाकात की, अच्छा लगा मुझे। और सोनपाल भैया से पूछेंगे कैसे आप। सोनपाल भैया को सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब पे इनका चैनल है जिसका नाम है जानकारी लो फटाफट है, और आज अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, अर्निंग अच्छी हो रही है, और क्या नाम, तो भैया कुछ बताएंगे अपने बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, कैसे, कहाँ से स्टार्टिंग हुई है आपकी? हम, मेरे सारे सब्सक्राइबर मुझे जानते होंगे, मैं पिपरिया बागबन से रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा, ताकि आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सपोर्ट दिया, इतना अच्छा मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। अगर आप लोगों को शायद प्यार और सपोर्ट नहीं मिलता, तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। तो फाइनली दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की है। आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं पहले कारपेंटरी का काम करता था। शायद आपके आस पड़ोस में, अगर आप ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से मुझे जानते होंगे कि आप लोगों के घर काम भी किया होगा मैंने। तो शुरुआत टाइम में जब मैं यहाँ पे आया था यूट्यूब पे, तो मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था। शुरुआत टाइम में मेरे 1500 रुपये का मोबाइल लिया था, वो पहले नहीं, कीपैड वाला नहीं था। हाँ, उसमें कीपैड भी आता था, स्क्रीन टच भी आता था, थोड़ा छोटा था वो, नोकिया वगैरह का था। तो उसमें भाई वाला मोबाइल था मेरे पास, तो उसमें मैंने देखा, यूट्यूब ऐसे भी चलाता था पहले, एंटरटेनमेंट की वीडियो ज्यादा देखा करता था मनोरंजन के लिए। तो उसी तरीके से एक मेरे सामने एक वीडियो आ गई थी एक दिन, यूट्यूब से यूट्यूब पर वीडियो डालकर पैसा कैसे कमाए। तब मैंने वहां पे देखा कि यूट्यूब पर भी पैसा मिलता है। यहाँ पे तो लोग, पहले तो मैं ये समझता था यूट्यूब पर यार ये लोग वीडियो बनाते हैं, ये कंप्यूटराइज सारे वीडियो होंगे, मतलब ये रियल नहीं है, ये फेक वीडियो है, मतलब कंप्यूटर से बनाए गए। क्योंकि मैंने पहले VCR और फट्टा टाकेज में ये सब कैसेट वगैरह लगते थे, तो मुझे ये पता लगता था कि सच में यही हो रहा है, हकीकत में। तो मुझे को भी यही लग रहा था, लेकिन मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि हम जैसे ही लोग ही यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ये मेरे को कभी विश्वास नहीं था। तो फाइनली मैंने अपने अंदर एक विश्वास पैदा किया कि हाँ, हकीकत में मैं करूंगा, करके देखूंगा। तो उस टाइम पर मैं अपनी वीडियो नहीं बनाता था, अपनी वीडियो में कोई भी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन उस टाइम पर मैंने सीखने के लिए दूसरों की वीडियो उठा उठा कर अपने चैनल पर अपलोड करता था, कॉपी पेस्ट। हाँ, कॉपी एंड पेस्ट दोनों जगह उधर करता था। तो इससे मेरे को लगता था कहाँ इस पर व्यूज आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। एक मेरा चैनल जिसपे लगभग 7000 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए थे, शायद आप जानते होंगे ना उस चैनल को। तो उस पर मैंने अपना कंटेंट कोई भी मतलब नहीं अपलोड किया था, लेकिन वो मिसलीडिंग कंटेंट की वजह से, यूट्यूब आप जानते हो कि जब तक आपका रियल कंटेंट नहीं होगा, आपका सारा वीडियो नहीं होगा, आपका फेस वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, अगर आप दूसरे का कॉपी करोगे तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा, डिसनेबल हो जाएगा उसका। तो उसका टारगेट उस समय था 10,000 व्यूज कंप्लीट करना और 1,000 सब्सक्राइबर। तो उसमें 1,000 सब्सक्राइबर के मेरे साथ 9,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। उसके बाद में मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था, सब कुछ कंप्लीट, मतलब वॉच टाइम का सिस्टम ही नहीं, 10,000 व्यूज कंप्लीट करो और चैनल मोनेटाइज हो जाता। जब मैंने अप्लाई किया तो यार वो मिसलीडिंग कंटेंट हो गया, मतलब चला गया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब मैं खुद अपना करूंगा। अब मुझे कोई यूट्यूब, मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा, वहाँ पे सारी वीडियो आने, किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो किया, कैसे क्या करें। तो मैंने सारी वीडियो यूट्यूब के बारे में ही देखना स्टार्ट कर दिया, बल्कि इंटरटेनमेंट छोड़कर। रात को मैं, काफ़ी लोग रात को सोते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं या फिर इंटरटेनमेंट करते हैं, हमने वो नहीं किया। मैंने अपना एक तजुर्बा अपना आ गया कि अपने किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं ग्रोथ के लिए, हम कैसे आगे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, और शुरुआत में मैंने एक वो पैसे छापने वाली मशीन बनाई थी अपने, तो उसमें शायद मैं बोल भी नहीं पा रहा था सही से। तो मैंने कहा आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि नोट छापने वाली मशीन कैसे बनाते हैं कागज की, बिल्कुल। तो उस तरीके से मैंने बनाई, लेकिन उतनी अच्छी वो बन नहीं पाई थी। तो उस वीडियो पर 56 व्यूज आ गए थे। अच्छा, हाँ, तब मेरे को लगा कि हाँ मैं कर पाऊंगा। हाँ, तो इसी तरीके से मैं ऐसे ही मतलब जुगाड़ करता रहा। तो मैंने काफी चैनल बनाए ऐसे यूट्यूब पर,
तब जाके एक चैनल मैंने बनाया यही जानकारी लोग फटाफट यूट्यूब चैनल पर आप जानते होंगे जिसपे 80 के सब्सक्राइबर होंगे, साइड में आप देख सकते हो ये मेरा चैनल है। और इस चैनल के शायद आप सभी लोग जानते होंगे मोजी एक्सेलेटर और टकाटक एक्सेलेटर, आपको काफी सारी जानकारी मिलती है इस पर। तो इस चैनल जब मैंने इस चैनल को बनाया था तो ये मैंने चैनल बनाया था 2018 में बनाया था। आज मेरे कुछ इस चैनल पर लगभग 5 साल हो चुके हैं। एक लमसम 2020 में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, 2020 में चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ। 2020 में मोनेटाइज होने के बाद 2 साल मैंने कंटिन्यू मेहनत की, चैनल मोनेटाइज हो गया, लेकिन उसके बाद में व्यूज थोड़े हमारे से कम आते थे और मतलब इसी तरीके से एडिंग होती नहीं थी कि ₹2 का 10 रुपये का $1 एक एक महीने में बनता था। तो मैंने 2 साल ऐसे ही किया। फाइनली जब मेरे को मैं इससे हार गया इसी यही चैनल बनाकर, तो मैंने कहा फिर मैं देहरादून चला गया काम करने के लिए अपने भानोई के साथ में। तो हम देहरादून चला गया काम करने, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लूडो टैलेंट से पैसा कैसे कमाए। मैंने कहा एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, फिर उसके बाद 2 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा। तो वही वीडियो मैं डालकर घर से गया था। जब वो वीडियो डाली और डालने के बाद मैं देहरादून चला गया, वहाँ पे काम करता रहा कारपेंटरी का। 1 महीना 18 दिन बाद जब मैं घर वापसी आया तो रात को जब वहाँ पे आने का प्लान बना, मेरे कल मैं घर जाऊंगा, तो रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि कल कैसे जाऊंगा। मेरे काफी ट्रैफिक होती है रास्ते में, दिक्कत हो जाती ना ऐसी। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा करते हैं थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, थोड़ा मोबाइल मूड फ्रेश हो जाए। तो अपने पुराना चैनल मैंने ओपन करके देखा तो वहाँ पे वही वीडियो जो था 48,000 उस पर व्यूज आया था। देख सकते हैं मतलब तो, वीडियो एक डालने के बाद 1 महीने के बाद जो उन्होंने देखा तो 48,000 व्यू आ सकता। हाँ। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ होती है। आप वीडियो को कंटिन्यू डालते रहेंगे तो आपकी बिल्कुल ग्रोथ होगी, आपके व्यूज भी अच्छे आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ठीक है, आपका जो कंटेंट होगा आप लोगों को पसंद भी आएगा, आप 4 लोगों को। हाँ, तो इसी तरीके से जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें क्या हुआ, मैं अपने घर आ गया। घर आए मेरे को बहुत ज्यादा हैप्पी फील हो रहा था कि अब मैं लगता है कुछ कर पाऊंगा। फिर मैंने इसी स्क्रीन को बिना फेस वाले वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ मैं कारपेंटरी का काम भी करता रहा, ये लकड़ी जो मतलब पुराना काम तो छोड़ा नहीं, वो छोड़ा नहीं मैंने, वो हमेशा करता ही रहा सब कुछ। ऐसे करते करते जब मेरे को लमसम 2021 में पूरा कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे लगा कि मैं अब कर सकता हूँ। जब मेरी जो फर्स्ट जो अर्निंग आई थी वो $115 की आई थी, शायद 77,700 रुपए के आसपास फर्स्ट पेमेंट आई, तो मेरे को विश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूँ। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप और इस तरीके से जैसे कि जानते हो मैंने ये सब किया, इतने इसमें मुझे बहुत ज्यादा झमेला भी झेलना पड़ा। मोहल्ले वाले अभी भी कहते हैं, हमारे मोहल्ले वाले हो गए, गांव वाले हो गए या आस पड़ोस के भाई, काफी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अभी मजाक बनाया भाई, काफी अभी भी मजाक बना रहे हैं। तो भाई मैं अब देखिए मैं वो मजाक बनाते हैं तो उनका मुंह है भाई, मैं बंद थोड़ी कर सकता। सही बात, वो मजाक बनाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलो, आपका आपका दिल आपका मन कुछ भी कहे, हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैं एक बात, और मेरा एक आप जानते हो मेरे अंदर क्या चीज है कि मैं कभी किसी से लड़ा नहीं हूँ, ना कभी लड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने काम को मुकाम देता हूँ, साफ सीधी बात। देखो कोई भी काम करिएगा, पता कितनी भी शर्म लगे कुछ भी लोग बोले, जब आपकी 26 तारीख या 1 तारीख या 7 तारीख को सैलरी आती है ना, सबके मुंह बंद हो जाते हैं। तो इन्होंने पता क्या शर्म को त्याग कर दिया था और कंटिन्यू काम करते रहे, आवाज का उसका रिजल्ट आज है। आज भाई ने बहुत कुछ ग्रोथ कर लिया, जहाँ पर बैठे हैं सोफे। आज के डेट में मेरे पास से लमसम में देखिए 2 यूट्यूब चैनल है, एक स्टोरी के टाइप में एक यूट्यूब चैनल है, उसपे भी लमसम में शॉर्ट वीडियो बनाते हैं 4-5 हजार रुपए के आसपास उसकी अर्निंग हो जाती है। मेरा मेन चैनल है जानकारी लो फटाफट, उसपे लमसम 15-16-17 हजार के आसपास उसपे भी अर्निंग हो जाती है, आप सब लोग जानते होंगे उस चैनल को भी। तो दोनों मिला के मान के चलो 20 से लेकर 25 हजार रुपए की अर्निंग मंथली में हमारी हो जाती है। और साथ ही साथ और भी हमारे अलग थोड़ा शॉर्ट मतलब यहाँ स्पॉन्सर वगैरह हो गया है, तो वो साइड बिजनेस थोड़ा बहुत है, वो अलग है। अच्छा भैया आपने जो चैनल जब स्टार्ट किया था कब कब स्टार्ट किया था आपने, जब से उसका टाइम बताएंगे? तो बता तो रहे हैं हम, 2018 में 2018 में बता रहे हैं, 5 साल हो गए लगभग आपको। 5 साल हो गए, 5 साल में आज के डेट में मेरे का मान चलो जितना मैंने बताया इतना कमाने लगा। शुरुआती टाइम में मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं कि एक ही आज चैनल बनाया आज ही से मैंने स्टार्ट किया और आज ही मेरा पैसा आने लगे, काफी लोग सोचते हैं ऐसा नहीं होता। अच्छा कुछ साल खान आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत, जब तक आपका फेस वैल्यू नहीं आएगा, जब तक आपको आपके अंदर टैलेंट नहीं आएगा तब तक आप कैसे कर सकते हो। जब आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी लूडो वाली, तब आपके कितने सब्सक्राइबर थे, उसके बाद कितने सब्सक्राइबर? उस टाइम मेरे पास 1800 सब्सक्राइबर हो गए थे। जब मतलब आपकी वीडियो जब आपके मतलब वायरल हुई थी, हाँ, तो उसमें टारगेट क्या था पता? उसमें टारगेट था कि मतलब जो है वॉच टाइम वाला टारगेट नहीं रखा था कि 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, नहीं, उसमें 10,000 व्यूज कंप्लीट हो जाए। अच्छा उसमें 10,000 व्यूज वाले था, खाली 10,000 व्यूज। अब तो सर उन्होंने कर दिया कि या तो आपको शॉर्ट वीडियो पर आप तो 10 मिलियन व्यूज ले आइए, ठीक है, या तो 4,000 घंटे वॉच टाइम ले। अगर आप आज के डेट में अगर अपना चैनल मोनेटाइज कराना चाहते हो तो आज के डेट में ये 2021 से लागू हुआ है। मेरा चैनल जो है 2018 में शायद 19 में मैंने बताया था,
20 में मोनिटाइज हो गया था। अच्छा, 21 में मेरे को अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसी तरीके से साल खान इसी तरीके लग रहा है, 2-3 महीने जो मोनिटाइज हो जाए उसके बाद में प्रोसेस लगता है। तो आज के डेट में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लो आपका चैनल मोटा जाए, नहीं तो 10 मिलियन अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हो 10 मिलियन और आज के डेट में फाइनली जब मेरे पास सब कुछ है और मैंने मेहनत करके सब कुछ अच्छा खासा इनकम भी कर रहा हूँ, अब मैं अपने काम में मस्त हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आज के डेट में भगवान की दुआ से आप लोगों के सपोर्ट एंड प्यार की वजह से आज मेरे पास सब कुछ है, जैसा कि आपको रतन भैया ने दिखाई दिया होगा। तो ये सब चीजें मैंने यूट्यूब से ही कमाई है, मैंने अपने यूट्यूब से हर एक करियर जहाँ तक ये टी शर्ट और ये कच्चा सब कुछ मेरा यानी कि जो मोबाइल से बोल रहा हूँ और ये सब कुछ यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये सब कुछ भाई मेरे यूट्यूब से बनाया है। और अपना जो कारपेंट्री का काम से मैंने कभी भी कुछ नहीं कर पाया, सही से मैं सही बता रहा हूँ खर्चा भी नहीं चलता था कर पाया, कारपेंट्री का काम जो है उसमें खर्चा नहीं चलता था। तो इसमें बहुत ज्यादा पूरा दिन काम करते हैं हम डटकर, पूरा दिन काम करने के बाद कारपेंट्री का तो 500 रुपये मिलते थे मुश्किल से, कहीं 300 रुपये कहीं 200 रुपये ऐसे ही शुरुआत जब मैंने स्टार्ट किया तो 150-150 रुपये मैंने काम किया, मुश्किल से आपके खर्चे ही चल पाते थे कोई मतलब कोई। हाँ, आज के डेट में मुझे कोई प्रॉब्लम है अच्छी खास नहीं होती। मैंने देखा कि भैया से कैसे कहाँ से ग्रोथ की, आज कहाँ से मुकाम पे, आज लगभग 80,000 सब्सक्राइबर भी हो गया, अच्छी कौन मतलब बना लिए, एक अच्छी फेस वैल्यू बना लिए भैया ने, और कनम मौज के मौज पर मतलब अधिकतर टॉपिक पर वीडियो बनाते रहते हैं। और तो यही था कुछ वीडियो में, यही सब कुछ था वीडियो में, आपने सब मिलना था भैया से, बहुत अच्छा लगा मिलके मुझे और काफी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा रतन भैया से मिलके, क्योंकि इनके घर में काम करके आया था आपके दोनों दरवाजे लगा के आया था। हाँ भैया मेरे यहाँ पे गए थे दोनों दरवाजे लगा के, तो भैया ने मुझे ये राय दिया था कि आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, हम भी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो आज मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो हम भी कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हैं, प्लीज और आप जो भी वीडियो देखेंगे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सर आप कह दीजिए तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, भाई इस चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और ये देखिए मेरा ही चैनल है, और मेरे चैनल पर अगर आप विजिट करना चाहते हो तो मेरे चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप चेक करना और इस चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं भाई सभी को सपोर्ट जो भी मेरे पास आता है मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि ये वीडियो आप देख रहे हो थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट कर दोगे, गाँव में रहते हैं आस पास में कभी ये भी सफलता मिल सकती है इनको, ये भी आपके काम आ सकते हैं ना, तो आपको क्या जाता है थोड़ा सा लाइक या सब्सक्राइब करने में, भाई सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं रतन भैया। ठीक है सर, मिलते हैं नए वीडियो में आपको, फिर आपको नया ब्लॉग लाएंगे, अच्छा ब्लॉग लाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। धन्यवाद।